हरि श्रीमन महागणाधिपते नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। परीक्षा जैसा कि आप लोग जानते हैं और सुने भी हैं, तीर्थ वरण लिखा है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या है, जरा हम भी सुने। तो व्यासदेव महाराज अपने शिष्यों को बता रहे हैं, मां भगिनी पुत्री के गुरुजी,
ये ग्रंथ आप यहीं पर बंद कर दीजिए, ये बात मेरे समझ में नहीं आई है। क्या माता सुता बहनी को त्यागे, माता सुता बहनी को त्यागे, नहीं बैठेगा और फिर बैठेगा कहां। व्यासदेव जी ने विचार किया कि शिष्य की शंका का समाधान करना तो जरूरी है। व्यासदेव जी ने उस ग्रंथ को वहीं पर बंद करके रख दिया और जैमिन ऋषि आकर के अपने अलग एक कुटिया बनाते हैं, जिस कुटिया में रहते हैं। होता क्या है, यही विधि कछु का काल चल गयो, यही विधि कछु का काल चल गयो, आज न चरित सुनो जस भयो। धीरे धीरे सज्जनों समय बीतता गया, क्या हुआ है, यही विधि चलो गयो कछु काला, बाहर गई। जैमिन ऋषि ने देखा बरसे नीर भी गए यको बाला, बाहर खड़ी भीग रही है। जैमिन ऋषि कहते हैं, अरे वो माता जी, मौसम बहुत खराब है, मैं तुम्हें से कह रहा हूं अंदर आ जाओ। कुटिया भीतर आए पधारो, कुटिया भीतर आए पधारो, Thank you.
और फिर कहते हैं कि अरे बहना एक बात बताओ, विकट विजन नहीं संग सहे, ऐसा करो तुम्हारे सर्दी ना लग जाए, भूना जल रहा है थोड़ा हाथ सेक लो। अब वो तो कन्या रोने लगी, फपट फपट रो हो गया। धन्य है जो आपने हमको अपने आश्रम में बुला लिया। जयमन जी से कह रहे हैं कि हे बेटी, हम ठहरे सन्यासी, इसलिए चटाई एक है, तुम लेट जाओ हम बैठे हैं। लड़की हंसने लगी कि महाराज, आपने पहले हमको माता कहा और फिर बहना कहा, अरे अब तो बेटी कह रहे हो, और ये तीनों ऐसे प्यारे रिश्ते हैं जो कि एक ही आसन पर हम दोनों लोग लेट सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तब मुनि वही काजीन चटाई, तब मुनि वही काजीन चटाई, लेकिन 36 के अंक में लेते हैं। और श्रोताओं, हिंदी में जब 36 लिखा जाता है, इसका मतलब यह है कि कन्या का मुख उधर है और जयमिन ऋषि का मुख उधर है, दोनों लोगों की पीठ एक तरफ है। अब सोने लगे तो क्या हुआ, कछु का देरा भाई बदली सारा, सज्जनों हिंदी के 63 लिखे जाए तब क्या होता है, आमने सामने दोनों लोगों का मुंह हो गया। अब क्या हुआ, श्वास जब टकराई,
सरस्वती भी उठ करके बैठ गई। कहिए महाराज धन्य है। जमींद्र से क्या कहते हैं, हम तुम्हारे संग करम विवाह। हम तुम्हारे संग करम विवाह। हम तुम्हारे संग करम विवाह। सुंदरी पूरव मोर उठा। अरे कन्या हंसने लगी, महाराज मैंने भी यही सोचा था, लेकिन आपने रिश्ता ऐसा बना दिया तो हमारी भाई कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। फिर भी आप यदि कह रहे हैं तो मैं आपकी अर्धांगिनी बन जाऊंगी, लेकिन भावरी बिन नहीं तुम्हारी बामा। भावरी बिन नहीं तुम्हारी बामा। अर्धांगिनी बनूंगी कैसे? जमींद्र ने विचार किया कि ऐसा न हो मुहूर्त निकल जाए। और सज्जनों, विवाह के बाबत में तो हम बता ही चुके हैं, जिनका नहीं हुआ है वो तो कहते हैं भगवान हमारी जल्दी सुने, लेकिन जो इस मंडी को जा चुका है उसको पता ही है मंडी बहुत महंगी है। किसी संत ने कहा है, शादी एक ब्याह भी है, चाहो तो जाओ बराए, पांव में बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। जमींद्र ने कहा, खंभ मान कुटिया को ली जाए, खंभ मान कुटिया को ली जाए। अब तो भावर पड़ने लगी और सज्जनों, दो चार भावर पड़ी तो लड़की धड़ाम से गिर गई। जमींद्र से कहते हैं, कन्या अरे उठो, क्या बात है? तो लड़की कह रही कि हे महाराज जी, के स्वामी हमसे चलो नहीं जाए, पड़ेगी कैसे भावरिया। स्वामी हमसे चलो नहीं जाए, पड़ेगी कैसे भावरिया। जब तक भावर साथ न होवे दुल्हन नहीं कहा, जब तक भावर साथ न होवे पत्नी नहीं कहा। और पाओ हमारे कांटा लागो, पाओ हमारे कांटा लागो, भावर डाल न पाओ। स्वामी हमसे चलो नहीं जाए, पड़ेगी कैसे भावरिया। लायक है नहीं, या तो हमारे लिए कोई सवारी की व्यवस्था करो। धन्य है शादी की लगन। जमींद्र ऋषि कह रहे हैं
आओ मेरी पीठ पे बैठो मैं घोड़ा बन जाओ। बदल जाते हैं और वक्त की मार से स्थान बदल जाते हैं। धन्य है मुनिराज का वो वक्त कि बन गए मुनि का मांध तुरंगा। बन गए मुनि का मांध तुरंगा चढ़ी नारी सुंदर मुनियंगा। अरे चाबुक पर चाबुक पड़ रहे हैं, भावर तो सात हो गई। धीरे धीरे मुनिराज जी मूर्छित होने की अवस्था में आ गए। विचार किया कि हर बात में चाबुक पड़ रहा है, बात क्या है। और जैसे ही इस लड़की को पीछे से खींच करके सामने लाए, सज्जनों पूरा दृश्य ही बदल गया। जयमिंद्र सिंह ने देखा कि वो लड़की गायब हो गई और इनके सामने खड़े हैं इनके गुरु महाराज। प्रेम से बोलो व्यासदेव भगवान की। हाथ का मंडल सोहै कैसे, हाथ का मंडल सोहै कैसे, हाथ का मंडल सोहै कैसे झाड़े व्यास। प्रणाम किया, धन्य हो गुरुदेव। व्यासदेव जी ने कहा, कहो जयमिन वो चौपाई कैसी रही। व्यासदेव जी महाराज इनको देख करके जयमिन ऋषि चरणों में लौट के बोले, गुरुदेव बहुत बढ़िया हमको शिक्षा मिल गई कि जवान माता हो, जवान बहन हो, जवान बेटी हो, गंभीर पुरुषों को चाहिए कि इनके साथ में एकांत के समय में मत बैठें, क्योंकि यही से हो तब बुद्धि बल नाशा। यही से हो तब बुद्धि बल नाशा। Thank you.
कृष्ण का संवाद आप लोगों तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। और आगे की जो भी रचनाएं हैं जेएमडी कैसेट के माध्यम से, वो आप लोग आगे के कैसेट में देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। सधुआ पुर मम धाम सुहावन, सधुआपुर मम धाम सुहावन, सधुआपुर मम धाम सुहावन। दक्षिण नदी सराय अति पावन, आज मैंने ऋषि व्यासदेव महाराज जी के चरणों में लौट गए और बार बार प्रणाम करते हैं और कहते हैं, सभी को उपदेश देते हैं, गुरु शब्द क्या है, गुरु शब्द ही है ऐसा जो कि अंधकार से तुम्हें प्रकाश की तरफ ले जा सके। इसीलिए कहा भी गया है मानस में, बिन गुरु भवन निधि तरई न कोई, जागता है जब उसको अच्छा सा सद्गुरु मिल जाए और उसको जगाया करके। गुरु की महिमा का वर्णन कई ग्रंथों में आया है, आखिर को गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। गुरु गोविंद को खड़े काके लाडो पाए, संत कवि का मत है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया। आज जमींद्र ऋषि जी सभी को उपदेश देते हैं। एक बात और ध्यान रखना है श्रोताओं, तो गुरु जो है बड़ा ही जान समझ करके करना चाहिए, क्योंकि आजकल का समय तो बड़ा विचित्र चल रहा है प्यारे। गली गली गुरु पुकारे, चेलो कंठी ले ओ, और स्वर्ग को जाए चाहे नरक के जाओ, रुपए हमका दे। लोभी गुरु लालची चेला, ये दो नरक में ठेलिम ठेला। इसलिए गुरु जब भी करें थोड़ा सोच विचार करके करें। आइए चंद पंक्तियां पूज्य श्री गुरु भगवान के चरणों में समर्पित हैं, फिर वाणी विराम। के स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार, इसीलिए अब भक्तों प्यारे गुरु के द्वार, गुरु का प्यार लाला, गुरु का द्वार लाला, गुरु का प्यार लाला, गुरु का द्वार लाला। है अपना गुरुद्वार, इसीलिए
तुमसे प्यारा है अपना गुरुद्वार, इसलिए अब भगतों आओ प्यारे गुरु के द्वार, गुरु का द्वार आला, गुरु का दरबार है आला। भगवान तुम से रूठे गुरु जी का प्यार है यार।